ज़ाफ़रान मताम अल अरबिक की जानिब से रमजान में रोजदारों के लिए पेश करते हैं रमजान स्पेशल हलीम, प्योर मटन चार गोशा असली घी में तरबतर ड्राई फ्रूट्स के साथ जायकेदार हलीम। वेलकम टू 18 तेलंगाना न्यूज। Parents, be careful while taking your kids to local clinic. A boy died allegedly due to the negligence of doctor in a local clinic under Kalapattar PS limits. Reported by Imran Khan. Patient name Riyaz hai inka. Shuru se kad gaya tha dukan pe. बाजू में गोश की दुकान है इनके पास। घर मेरा वो है। घर के बाजू में है। कट होते की बाजू में क्लिनिक है। क्लिनिक पे लेके गए। वो क्लिनिक में वो चार स्टिचेस दिए। उसके बाद में ग्लूकोज चढ़ाए। दो ग्लूकोज दिए, फिर इंजेक्शन दिए। क्लिनिक का नाम MS मैटरनिटी पॉली क्लिनिक है। वो ये खाजा होटल के पास। ये वाकया कब हुआ? बच्चों कब कटा? मंडे के दिन कितने बजे का वाकया? इफ्तार के बाद। जैसा कटवा वैसे ही उनको ले लेके गए। लेके जाने के बाद ये बोले अभी हम करें, फिर कल सेम लेके आओ, फिर चढ़ाना पड़ता ग्लूकोज। फिर लेके दूसरे दिन लेके गए। लेके जाने के बाद दूसरे दिन जैसा ग्लूकोज चढ़े, एक ही पे रोक दिया उन्होंने, एक ग्लूकोज पे। फिर इंजेक्शन भी दिए। फिर घर को जैसा लेके आए, उसको जाड़ा आना शुरू हो गया, फिट्स आना शुरू हो गया, नीला हो गया उन्होंने। हॉस्पिटल को लेके गए, असरा को। लेके जाने के बाद बच्चे की उम्र कितनी है? बच्चे की उम्र 13 साल। 13 साल बोले बोले माइनर बच्चा। फिर उनको वहाँ पे असरा को लेके गए। असरा में ये बोले कि बच्चे की हालत सीधी नहीं है, वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है, हमारे पास स्पेस नहीं है, बेड नहीं है। तो वहाँ से फिर नीलोफर लेके गए। नीलोफर लेके जाने के बाद में वहाँ पे उनको एक दिन रखे। डॉक्टर जो है उसी नाइट में जो है बच्चे को ब्लीडिंग हुआ, वॉमिटिंग्स हो गया, इंटरनल ब्लीडिंग्स भी हुआ, एक्सटर्नल ब्लीडिंग्स भी हुआ, बाहर भी आया ब्लीडिंग, ब्लड क्लॉट हुआ हाथ पे, इंटरनल ब्लीडिंग हुआ, एक्सटर्नल ब्लीडिंग हुआ। उसके बाद में फिर ये लोग बोले कि इट में भी ये हो सकता है कि ब्रेन डेड, ऐसा भी बोले डॉक्टर। वो लोग उसको ऐसे ही छोड़ दिए। ये बोले कि जब तक उसका हार्ट रेट चलते रहेंगे हम लोग इलाज करते रहेंगे। फिर आज मगरिब में ये बोले कि बच्चे का डेथ हो गया। फिर अभी हम लोग PS पे आए। PS में ये बोल रहे कि हॉस्पिटल से ये इन्फॉर्मेशन आया कि बच्चे को पैर पे भी कट है, नेक के पास में भी कट है। ये नेक का तो कहीं भी नहीं है, दे आर क्रिएटिंग देयर ओन स्टोरी। वो लोग अपनी स्टोरी बना रहे। गले के पास कट है ही नहीं, मार लगा सिर्फ पैर के पास। ये लोग बोल रहे गले के पास कट लगा बोल के वो हॉस्पिटल से इंटीमेशन आया। ये गलत इंटीमेशन है। ये दवाखाना से आपको कब इत्तला मिली बच्चे का डेड हुआ बोल के? ये मगरिब के बाद में 6:30 के टाइम पे बोले। कौन बोले? डॉक्टर जो अथॉरिटी से हॉस्पिटल के पहले तो कल शाम में डॉक्टर का नाम क्या बोले? हमारे को कौन बोले? डॉक्टर बोले, लेडी डॉक्टर बोले, ड्यूटी डॉक्टर जो अवेलेबल रहता शाम में, वो आके इंटीमेट किया कि आपके बच्चे का डेथ हो गया। वो मगरिब में बोले। उसके बाद ये लोगों के पास में इन्फॉर्मेशन आया 9 बजे। अब ये लोग लिख रहे कि 9 बजे हमारे को मिला, 9 बजे डेथ हुआ। अब वो लोग लेट किए एंटीमेशन, वो हमारे को मालूम नहीं। हमारे को 6:30 के लिए बोल दिए ब्लीडिंग हुआ, डेथ हुआ। लेडी डॉक्टर जो है जब ही बोले कि डेथ हो गई, वो डॉक्टर को बोल दिए डेथ हुआ। तो हॉस्पिटल को कौन ले गए? उस्मानिया कौन ले गए? आप लोग ले गए? उस्मानिया को वो लोग ही लेके गए। वो लोग है हेल्थ मिनिस्ट्री से जो भी है ऑफिसर, हेल्थ ऑफिसर जो भी है, वो लोग हेल्थ ऑफिसर जो भी है उन्होंने लेके बोले कि इनका MLC करना पड़ता। MLC हम लोग कराए नहीं, MLC सीधा PS से आया। ये लोग आके स्टेटमेंट लिए। ये जो डॉक्टर है ये जो भी इलाज करे कैसा करे उनको मालूम है ना। इंजेक्शन दे दिए, ग्लूकोज चढ़ा दिए, बच्चे की हालत ख़राब हो गई। स्टिचेस होने के बाद में सेकेंड जब जो ग्लूकोज दिए वो नीलोफर में बोले कि द फर्स्ट डे वो लोग दिए वो मान सकते, लेकिन सेकेंड डे जो दिए वो ये गलत है, ये नहीं देना था। ये देने की वजह से बच्चे को जो है दिमाग पर चढ़ गया, उसका पूरा बुखार आ गया। फिर बाद में उसको फिट्स आ गए। फिट्स आने की वजह से यहाँ ले गया। लेके आने के बाद में 1-2 घंटे में उसको ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। इंटरनल भी हुआ, एक्सटर्नल भी हुआ, आफ्टरनून तो यहाँ पे क्लॉट भी हो गया। बच्चा क्या होना आप? ये मेरा भाई है, छोटा खाला का बच्चा है। क्या नाम है उनका? मोहम्मद रियाज। मेरा नाम मोहम्मद सुहेल कुरैशी है, उन्होंने हमारे छोटे भाई मोहम्मद रियाज। क्या है? 13 साल है। बॉडी उनकी जो है उस्मानिया में है। वो लोग वहाँ से ही ले लिए, वो लोग नीलोफर से ही लेके आके इधर ही ले लेके हॉस्पिटल पे दे दिए। उनके पोस्टमार्टम करना है, MLC करना है। तो हम लोग ये क्वेश्चन किए कि MLC क्यों करते, पोस्टमार्टम क्यों करते? कहीं मर्डर केस तो नहीं है? उसको वुंड है, सिर्फ हाथ पे लगा। वो लोग इंटीमेशन कर दिए कि यहाँ गले के पास है। ये रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है।
आप पुलिस से क्या चाह रहे हैं? पुलिस ये बोल रहे हैं कि आप ये गलत इन्फॉर्मेशन के बेसिक्स पे आप कैसा केस क्लोज कैसा करते हैं? इन्होंने जो भी ट्रीटमेंट दिए वो गलत है, हम उनके ऊपर जो है इंक्वायरी बिठाना चाह रहे हैं, ये गलत दिए उन्होंने ट्रीटमेंट। और ऊपर से फिर हॉस्पिटल से जो है रॉन्ग आया कि यहाँ पे कट है, यहाँ पे है ही नहीं कट, यहाँ पे कट है ही नहीं, बच्चे को है सिर्फ अनजाने में लगा जो मार पैर पे वही है, यहाँ पे कट है ही नहीं। हॉस्पिटल वाले ऑलरेडी पीएस में कंप्लेंट कर चुके हैं बोल के बता रहे, उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? वो लोग कंप्लेंट तो वो बोल रहे कंप्लेंट तो नहीं है, वो लोग वहाँ से हॉस्पिटल से इंटीमेशन आया है कि यहाँ पे भी कट है। ये लेडी डॉक्टर जो है बच्चे को इधर कट लगा इधर है बोल के उन्होंने लिखा है, अपने आप के लिए सेफ होने के लिए उन्होंने बोल दिया, लेकिन वो लोग इंटीमेशन आया और लिखे इधर है, ये गलत इंटीमेशन है, इसको आप वेरीफाई कराइए। एक मिनट साहब, एक एक जने बोलिए, पूरे जने मत बोलिए प्लीज, एक मिनट बोलिए बोलिए। पहले दिन दवा दिए ना, दूसरे दिन दवा दिए, दूसरे दिन क्या करे, साथ में असरा में आए, असरा में बात करे तो उन पूरे डॉक्टरों को जिन्हें बोल रहे कि मैं भी डॉक्टर हूँ, बोल के नहीं बोल रहे ना, मेरे भाई का बच्चा है, हाँ बाजू के डॉक्टर, फिर वहाँ चले, वहाँ भी दो बजे तक रहे, मेरे भाई का बच्चा है, मैं डॉक्टर हूँ, मैं ये दवा दिया हूँ वो दिया हूँ, बोल लोगों कुछ कुछ नहीं बोले। ये बच्चा क्या होना जो डेट हुआ आपको? मेरा बेटा है, हाँ उनकी तरफ से हुआ। तो उन्होंने जो है अब आज क्या बोला डॉक्टर, बोलते वो इंजेक्शन जो उनको पहले दिन दिए थे ना, दो इंजेक्शन उनकी जिसम में ताकत थी, वो इंजेक्शन उनको नहीं बना उसमें से पावर का, दूसरे दिन जो इंजेक्शन दिए उनको जो है पूरे स्कू वो कर दिया, रिएक्शन इन्फेक्शन हो गया पूरे जिसम में, वहाँ के डॉक्टर नेक्स्ट डे जो इंजेक्शन दिए वो नहीं देना था उन्होंने, नीलो फैगर डॉक्टर बोल रहे था। अभी पुलिस वाले कुछ हेल्प नहीं कर रहे आपकी? अभी पुलिस वाले ये बोल रहे कि जाए गो एंड गेट द एमएलसी रिपोर्ट लेके आओ, ये हम लोग को कैसा हैंड ओवर करते हैं? उस्मानिया में हैंड ओवर नहीं करते हम लोग को, ये लोग बोल रहे जाओ एमएलसी लेके आओ, ये जो वुंड हुआ पीएस है, ये लोग ये बोल रहे कि जाके वहाँ से पूरा केस शीट जो है वो पूरा लेके आओ, केस शीट हमारे कैसा मिलता, वो तो एमएलसी के लिए अंदर लेके चले गए। अभी टाइम देखिए आप 2 बज रहे, वहाँ पे हॉस्पिटल में वो लोग अपने को देते ही नहीं। ये प्राइवेट हॉस्पिटल से कौन है वहाँ पे? गवर्नमेंट हॉस्पिटल से वो हेल्थ के ऑफिसर आए, आके उसको हैंड ओवर करे, वो अंदर आरएमओ में दे दिए, वो केस शीट जो भी है पूरा डेथ समरी भी वही है उधर ही दे दिए, ये बोल रहे डेथ समरी तुम्हारे को देता, वो हमारे को कैसा देता? ये लोगों को रूल्स मालूम है नहीं मालूम है, इनको मालूम है, ये बोल रहे जाके लाओ, वो हमारे को कैसा देता? दिस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाई हीरा बैंकेट हॉल, फुली एयर कंडीशनर एट सैयद अली चबूतरा नियर शाहगौस होटल।